जय माता की। आज 9 अप्रैल मंगलवार का दिन है और आज ही के दिन माता का पहला नवरात्र है और इसी दिन कलश स्थापना की जाएगी। माँ दुर्गा की कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त अभिज्योत मुहूर्त माना जाता है। इसके अलावा जो शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार निकला है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, लेकिन उससे पूर्व आपसे निवेदन है आज कमेंट बॉक्स को खाली न छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। माता की कृपा से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और नवरात्राओं का फल पूरी तरह आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करते हैं माँ दुर्गा पूजा की। जो कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त होता है जिसको हम अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं, उसकी शुरुआत सुबह 11:57 से होगी। 11:57 से लेकर ये 12:47 तक रहेगा, यानी कि ये अभिजीत मुहूर्त जो है वो 50 मिनट का निकला है। वैसे माता की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है जो सुबह से ही निकला है, इसमें 4 राजयोग भी बने हुए हैं। सुबह से जो माता की कट स्थापना या कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उसकी शुरुआत सुबह 6:05 से ही शुरू हो चुकी है। सुबह 6:05 से लेकर आप 10:16 के मध्य कलश स्थापना जरूर करें। ये 4:11 का विशेष शुभ मुहूर्त निकला है। तो ये जो 2 मुहूर्त आपको बताए गए हैं ये कलश स्थापना के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। यदि पहले मुहूर्त में आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त है उस मुहूर्त में जरूर कलश स्थापना कर लें। कलश स्थापना करते समय आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा, राहु काल का समय भी लग रहा है। यदि आप इन 2 मुहूर्तों में भी कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन राहु काल का जो समय है उस समय आप कलश स्थापना बिल्कुल भी ना करें। आज से राहु काल की शुरुआत दोपहर बाद 3:33 से शुरू होगा। 3:33 से लेकर ये 5:08 तक रहेगा, या यूँ कहें 3:30 से लेकर 5 बजे के मध्य आप कलश स्थापना बिल्कुल भी ना करें। बाकी समय में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और जो 2 मुहूर्त बताए हैं शुभ मुहूर्त हैं, अगर आप इनमें कलश स्थापना कर पाते हैं तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ साथ आपको सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज के साथ।